दिल्ली में एक बार फिर से उपराज्यपाल नजीब जंग और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में तनातनी बढ़ गई है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार अपने हाथ में लेते हुए दिल्ली के दो बड़े अफसरों हेल्थ सेक्रेटरी तरुण सेन और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी सर्वज्ञ श्रीवास्तव का तबादला कर दिया है। उपराज्यपाल के इस कदम से तिलमिलाई केजरीवाल सरकार ने इसे पीएम मोदी के इशारे पर उठाया गया कदम बताया है। हमें पूरी सोर्सेज से खबर है कि सीधे प्रधानमंत्री जी ने एलडी साहब को फोन करके कहा है कि ये जो हेल्थ और एजुकेशन पे इन लोगों के काम चल रहे हैं ना, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, इसको रुकवा दीजिए, किसी भी रूप में ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दिल्ली के लोगों से दुश्मनी निभाने के लिए किसी भी हद तक प्रधानमंत्री जाने को तैयार हैं। खुद पीएम अगर एलजी को फोन करके कह रहे हैं कि इनके हेल्थ और एजुकेशन के काम रुकवा दीजिए, क्योंकि ये सरकार सबसे ज्यादा इसमें इसकी तारीफ हो रही है। तरुण सेन दिल्ली सरकार के अहम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े हुए थे, वहीं सर्वत्र श्रीवास्तव स्कूल बिल्डिंग प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अलगाववादियों पर निशाना साधा है। मुफ्ती ने कहा, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए किया जाना गलत है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य के लोगों से एक बार फिर शांति की अपील की है। महबूबा ने छात्रों से अपील की है कि वो अच्छी पढ़ाई करें, उसी से उनका भला होगा। अच्छी शिक्षा हासिल करने से ही राज्य और देश का भला होगा। उन्होंने छात्रों से प्रदर्शन न करने की अपील करते हुए कहा कि छात्रों को कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और आईआईटी में होना चाहिए, न कि सड़कों पर। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी से उनका भला नहीं होगा। बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जगह ऐसे ही फूड क्राफ्ट में है, आईआईटी में है, डेंटल कॉलेज में है, सड़कों पर नहीं है। अगर वो इसी तरह उनका इस्तेमाल सड़कों पर जुलूस और पत्थर मारने के लिए किया जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे पास न तो डॉक्टर होंगे, न इंजीनियर होंगे, न सड़कें होंगी। आपको बता दें कि आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से कश्मीर के इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस हिंसा में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अमेरिका में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधा है। पेंटागन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कश्मीर में हिंसा के लिए सीमा पार से होने वाली घटनाओं को जिम्मेदार बताया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ देने के लिए अमेरिका का शुक्रिया कहा। इससे पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने लेमोआ समझौते पर हस्ताक्षर किया। वी अप्रिशिएट द सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स इन आवर एफर्ट्स टू एलिमिनेट टेररिज्म इन इंडियाज नेबरहुड। इट्स मोर ऑफ अ वायलेंस which comes from across the border, and curfew, if you are aware, curfew is already being lifted. इसके बाद दोनों रक्षा मंत्रियों ने साझा बयान जारी करते हुए कहा कि साजो सामान संबंधी सहयोग पर रजामंदी के बाद दोनों देशों के कानून, नीतियों और नियमों के अनुरूप ही उपलब्ध कराया जाएगा। इस सहयोग के बदले एक देश दूसरे को या तो इसका नकद भुगतान करेगा या फिर दूसरे देश को बदले में साजो सामान आपूर्ति और सेवाओं में सहायता देगा। मनोहर पर्रिकर ने कहा कि अमेरिका भारत के लिए रक्षा उपकरणों की खरीद का मुख्य साझेदार रहा है। पर्रिकर ने यह भी कहा कि अमेरिका ने भारत के साथ कई आधुनिक तकनीक भी साझा की हैं। एक तरफ 6 सितंबर से राहुल गांधी यूपी में महायात्रा निकालने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 3 दिवसीय दौरे पर भी जा रहे हैं। राहुल गांधी 31 अगस्त से 2 सितंबर तक अमेठी में रहेंगे, जिसके बाद राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा की जानकारी राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके दी है। मिशन 2017 की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी लगातार यात्राओं के जरिए माहौल बनाने में जुटी है। इस कड़ी में आज 2 जगहों से कांग्रेस की यात्राएं निकाली गयी। 27 साल यूपी बेहाल नाम से निकाली जा रही इस यात्रा में आज सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने 2 अलग अलग जगहों से यात्राएं निकाली। गोरखपुर और देवरिया पहुंचे राज बब्बर ने आज मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2.25 साल में सरकार ने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया। कल यानी 31 अगस्त को राज बब्बर मऊ में चुनावी रैली करेंगे। जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोगों को और जिस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं और उत्साह दिखा रहे हैं, एक्साइटेड है अबाउट द कांग्रेस, तो उससे लगता है कि कांग्रेस जरूर जीतेगी। हमारे आगे आगे हम चल रहे हैं, पीछे कोई दिखाई पड़ेगा बताऊंगा। बीजेपी तो चुनाव लड़ने के, प्रधानमंत्री बनने के पहले भी बहुत कुछ कह रही थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। लखनऊ से इलाहाबाद तक पार्टी के लिए रोड शो में शामिल हुई दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने रास्ते में कई जगह छोटी बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किसानों को एक बड़ी सौगात दी है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र नर्मदा सिंचाई योजना का उद्घाटन कर दिया है। इससे सौराष्ट्र के 5,000 गांवों को लाभ होगा। पीएम ने आज राजकोट में नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना यानी सोनी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस योजना की शुरुआत मोदी ने 2012 में गुजरात के सीएम रहते की थी। सोनी प्रोजेक्ट के तहत आसपास के 10 डैम और राजकोट जामनगर मोरबी के रिजर्वायर को नर्मदा नदी के पानी से भरा जाएगा। सौराष्ट्र के किसानों के लिए ये बड़ी सौगात होगी। यहाँ पहले चरण का काम पूरा हो गया है। प्रोजेक्ट के उद्घाटन के बाद पीएम ने सनूसरा कस्बे में एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें पीएम ने कहा कि उन्होंने जो गुजरात में सीखा है उससे उन्हें दिल्ली में काफी मदद मिल रही है। टुकड़ा फेंकीने देश न चाले दोस्तों, अने एटला माटे अमे टुकड़ा फेंकवानो मार्ग नथी अपनाव्यो, अमे एक समग्रता परिवर्तनो मार्ग अपनाव्यो અને લગાતાર 1.5 દાયકો તપસ્યા કરી અને એનું પરિણામ છે કે આજે ગુજરાતની ધરતી પર સ્થાયી રૂપે વિકાસ અને પરિવર્તનના વાતાવરણ બનાવવામાં અને સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં। 2 સાલ બાદ પ્રધાનમંત્રી મોદી કી સૌરાષ્ટ્ર યાત્રા કે કઈ માયને નિકાલે જા રહે હે। પાટીદાર સમુદાય બીજેપી સે નારાજ ચલ રહા હે ઓર સૌરાષ્ટ્ર સે હી જ્યાદાતર પાટીદાર રહેને વાલે હે। गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। अब देश के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय इलाकों में जलीय जीव ब्रीडिंग सेंटर खोले जाएंगे। निर्मल करने की कई योजनाओं और करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मोक्षदायिनी गंगा अभी भी मैली है, लेकिन गंगा को निर्मल करने के प्रोजेक्ट के रफ्तार पकड़ने से उम्मीद बढ़ गई है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत अब देश के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों में जलीय जीव ब्रीडिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार ने 500 एकड़ भूमि देने पर हामी भर दी है। 500 एकड़ जमीन अलग से दे करके उसमें मछली पालन, कछुआ आदि को पाल करके गंगा में छोड़ना और जिससे गंगा में प्रदूषण कम होगा उनकी वजह से, जीव जंतु की वजह से, और गंगा में प्रदूषण हुआ भी इसी वजह से है। आबादी का बोझ उठाते उठाते गंगा में प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि उसमें रहने वाले जलीय जीव जंतुओं और शैवालों तक का अस्तित्व मिटने लगा है। आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम दिख रही है। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कटौती न होने के संकेत दिए हैं। आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाने पर बैंकों को फटकार भी लगाई है। आरबीआई ने कहा है कि उसने ब्याज दरों में 1.5% तक कटौती की, लेकिन बैंकों ने ब्याज दरों में सिर्फ 0.60% की ही कटौती की। हालांकि आरबीआई ने आने वाले दिनों में महंगाई दर में कमी आने की उम्मीद जताई है। आरबीआई का मानना है कि कमर्शियल पेपर की मांग में बढ़ोतरी हुई है, ये भी एक बड़ा कारण है कि बैंक ब्याज दरों में कटौती नहीं कर रहे हैं। आरबीआई के मुताबिक इस बार पिछले 5 सालों के मुकाबले अच्छी बुआई हुई है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हाउस होल्ड सेविंग्स में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों के वेजेस में भी बढ़ोतरी हो रही है। आरबीआई ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में ग्रामीण इलाकों में मांग और बढ़ेगी। सरकार ने मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 246 रुपए रोजाना के हिसाब से बढ़ाकर 350 रुपए करने का ऐलान किया है। 2008 के बाद मजदूरों की मजदूरी में सबसे बड़ा इजाफा है। सरकार ने आरएसएस समर्थित ट्रेड यूनियन बीएमएस ने 2 सितंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 2 साल का रिवाइज बोनस देने का भी ऐलान किया है। उस रिकमेंडेशंस के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं केंद्रीय सरकार के, उनके 2 वर्ष का 2014-15 और 2015-16 का रिवाइज्ड नॉर्म्स के बेसिस पे बोनस इंटाइटलमेंट ड्यू था। उस बोनस इंटाइटलमेंट को रिलीज करने का सरकार ने फैसला किया। हालांकि ये फायदा फिलहाल गैर कृषि मजदूरों को ही मिलेगा। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को ऑटोमोबाइल कंपनियों ने स्पेशल ऑफर देने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर की रकम सितंबर में मिलेगी, इसलिए ऑटो कंपनियां कार खरीदने पर 25,000 रुपए से 60,000 रुपए और टू व्हीलर पर 8,000 से 15,000 रुपए की छूट दे रही है।
मारुति कार खरीदने पर 70,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर के तहत 45,000 रुपए की छूट और 25,000 रुपए के कैश बेनिफिट हैं। कंपनी 30,000 रुपए तक अतिरिक्त डिस्काउंट भी दे रही है। मारुति ऑल्टो पर करीब 48,000 रुपए की छूट मिल रही है, जबकि सिलेरियो पर करीब 35,000, स्विफ्ट पर 36,000, वेगनार पर 60,000 और डिजायर पर 32,000 रुपए की छूट मिल रही है। हुंडई भी इयोन पर 5,000 रुपए और आई-10 पर 45,000 रुपए की छूट दे रही है। ग्रैंड आई-10 और एक्सेंट के पेट्रोल वेरिएंट पर 85,500 रुपए का डिस्काउंट है, वरना पर 47,000 रुपए की छूट मिल रही है। वहीं होंडा, बजाज और टीवीएस जैसी टू व्हीलर्स कंपनियां 8,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही हैं। बिहार सरकार की सूबे में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग के बीच यहां के 12 जिलों में रहने वाली करीब 33 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के भौआ, परवल, सतडो, मोहनपुर, आंधी टोल सहित कई पंचायतों में आई बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घरों से पलायन कर सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। मवेशियों का हाल बुरा है। भोजपुर की लगभग 70% आबादी बाढ़ से प्रभावित है। एक तरफ सोन तो दूसरी तरफ गंगा में आई बाढ़ से भोजपुर बेहाल है। गंगा के जलस्तर में कमी होने के बावजूद भागलपुर के नवगछिया के लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। नवगछिया के लक्ष्मीपुर के पास बांध टूटने के कारण लगातार नए इलाकों में गंगा का पानी फैल रहा है। छपरा में आई भीषण बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जलालपुर के अशोकनगर में बांध टूट जाने से अशोकनगर सहित कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। वहीं औली गांव की तरफ से भी बांध के टूटने का खतरा बना हुआ है। खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है, बावजूद इसके बाढ़ पीड़ितों की परेशानी में कोई कमी नहीं हो रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी के कम होते ही बाढ़ से हुई बर्बादी का असर अब साफ दिखने लगा है। नाव पर न्यायालय। जी हाँ, ये सुनने में आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है। बाढ़ से प्रभावित बिहार के भागलपुर में कोर्ट को नाव से शिफ्ट करने का काम किया गया। बाढ़ में किस तरह मुश्किल में है भागलपुर के नवगछिया की न्याय व्यवस्था, इसकी तस्वीर देखिए। इस नाव पर जज और वकील सवार हैं और कोर्ट के कागज के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया कोर्ट कैंपस में 8 फीट तक पानी भरा है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि कोर्ट के सभी कागजात सुरक्षित हैं, लेकिन अदालत लग नहीं पा रही है, जिसकी वजह से कोर्ट को नाव से शिफ्ट कर ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जहां बाढ़ का पानी ना हो। दूसरी तरफ बिहार के पटना में शासन प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के दर्द को कम करने के लिए मनोरंजन की सुविधा मुहैया कराने की कवायद तेज हो गई है। सरकार ने राहत शिविरों में टीवी लगाने की बात कही है। सूबे के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। सरकार जहां हालात से निपटने का दावा कर रही है, जबकि बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें वक्त पर भोजन और चिकित्सा भी नसीब नहीं हो रही। मध्य प्रदेश के खजुराहो में 1 सितंबर से 2 दिवसीय पर्यटन समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें विश्व के कई प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ऐतिहासिक विश्व धरोहर खजुराहो वैसे तो पूरी दुनिया में अपनी कलाकृतियों के लिए जाना जाता है, लेकिन खजुराहो के इतिहास में एक और मील का पत्थर जुड़ने जा रहा है, क्योंकि यहां विश्व पर्यटन पर बड़ा मंथन होने वाला है। खजुराहो में ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्री के समिट ब्रिक्स कन्वेंशन ऑन टूरिज्म होने जा रही है, जिसमें भारत के अलावा ब्राजील, रसिया, चीन और साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्री और डेलीगेशन हिस्सा लेंगे। पर्यटन पर आधारित ये 2 दिवसीय समिट 1 सितंबर से शुरू होगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से हो रही इस समिट के बेहद ही अहम मायने हैं। समिट में पहले दिन अतुल्य भारत की थीम पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार का प्रेजेंटेशन होगा। साथ ही इसी दिन ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स भी प्रेजेंटेशन देंगे। यही नहीं, समिट के दौरान हस्तकला, शिल्प और हैंडलूम कपड़ों की एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। एयरपोर्ट और जो कार्यक्रम स्थल है, जो हमारे मंदिर हैं और जो अतिथियों के रुकने के स्थान हैं, वहाँ पर पूरी व्यवस्था लगाई जाएगी और स्पेशल निगरानी रखी जाएगी। CCTV कैमरे पूर्व से लगे हुए हैं और उनका भी इसमें इस्तेमाल। खजुराहो भी ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है, इस उम्मीद के साथ कि इस समिट से उसकी लोकप्रियता को एक नया आयाम मिलेगा। पंजाब में एक बार फिर से धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मामला सामने आया है। इस बार ये बेअदबी पंजाब के ऐतिहासिक शहर फतेहगढ़ साहिब में हुई है। धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के बाद लोगों में नाराजगी है। पुलिस ने बेअदबी करने वालों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी हुई है। इससे पहले दिल्ली में आप विधायक नरेश यादव पर भी आरोप लग चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही मोगा के गांव दौलतपुरा नीवा में भी धार्मिक ग्रंथ से बेअदबी का मामला सामने आया था।
ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਨੇ ਕਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਥਾ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस ने पिछले 24 घंटे में 6 मासूमों की जान ले ली है। यहां पिछले 48 घंटे में 13 मासूम मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस साल इंसेफ्लाइटिस से जनवरी से अब तक 729 मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो चुके हैं। इस बीमारी ने अब तक 191 मरीजों की जान ले ली है। हम लोगों ने एक होलिया मॉडल ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन भी बनाया था और बताया भी था कि ये बरसात में ये मॉडल बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर इससे बच्चे पानी पिए तो निश्चित ही AES से बच सकते। नेशनल प्रोग्राम जो बना के रखा हुआ सरकार ने हम लोगों के 8 साल के आंदोलनों के बाद, तो अगर उसको लागू नहीं कर दिया गया, जनवरी से प्रिवेंशन पे काम नहीं किया गया, तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा और पिछले 40 वर्षों से तो जारी है ही। बदलते मौसम के साथ पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस का कहर तेज से बढ़ रहा है। यूपी के साथ बिहार के कई जिलों में भी ये बीमारी पैर पसार रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पीसीएस 2003 परीक्षा में हुई धांधली के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परीक्षा में गड़बड़ी की बात मानी और स्केलिंग के आदेश दिए हैं। दरअसल 2003 में 147 पदों के लिए भर्ती हुई थी। आरटीआई के जरिए पीएससी 2003 परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई थी, जिसके बाद वर्षा डोंगरे, चमनलाल सिन्हा और रविन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस मामले में फैसला सुनाते हुए आज कोर्ट ने परीक्षा में गड़बड़ी की बात मानी और नए सिरे से स्केलिंग कराने और दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश जारी किए हैं। आशंका जताई जा रही है कि कोर्ट के फैसले के बाद 22 अधिकारियों की नौकरी जा सकती है, जबकि 56 अधिकारियों का डिमोशन भी हो सकता है। हाँ, अभी मुझे जानकारी हुई है कि ऐसा फैसला आया है। एक बार उस फैसले को बुला के बैठते हैं, अध्ययन करते हैं और लॉ सेक्रेटरी और बाकी अधिकारियों के साथ, फिर आगे क्या हो सकता है उस पर निर्णय। कोर्ट ने एक को 5 लाख और बाकी दोनों याचिकाकर्ताओं को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। बिहार की राजधानी पटना से बीमार हेल्थ सिस्टम की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पटना में बीते 2 दिनों में एक परिवार अपनी मुखिया के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। इस परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण 2 दिन से पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। मृतक अशोक की मौत 2 दिन पहले पटना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। घर वालों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। उसका पैसा हम नहीं दे रहे थे उसको, कि हमको प्रसन्न नहीं किया इलाज डॉक्टर को इलाज करना चाहिए, काहे के लिए जाते हैं हॉस्पिटल। हमका आरोप है कि जो मेडिकल टीम है उनके द्वारा लापरवाही की गई है। इस संबंध में FIR भी दर्ज की गई है और मेडिकल बोर्ड के तहत हम लोग उसको जांच करवा रहे हैं। वही मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस प्रशासन मामले की जाँच की बात कह रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जीबी रोड इलाके में चल रहे एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने सेक्स रैकेट चलाने वाले अफाक हुसैन और उसकी पत्नी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अफाक सायरा के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चलाता था। पुलिस के मुताबिक अफाक के 6 ठिकाने थे, जिनमें करीब 40 कमरों में 250 लड़कियां रह रही थी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक अफाक की रोज की कमाई 10 लाख से ज्यादा है। अफाक और सायरा के पास से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। पुलिस को इनके अलग अलग बैंक खातों में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश का पता चला है। आरोपियों के पास से 8 लग्जरी गाड़ियां भी मिली है। अफाक और सायरा के पास दिल्ली के शाहीना बाग में घर, जयपुर में फार्म हाउस और बेंगलुरु में भी करोड़ों की संपत्ति है। पुलिस के मुताबिक रैकेट में शामिल लड़कियों को पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और नेपाल से लाया गया था। पुलिस के मुताबिक सिंडिकेट का मैनेजर का नाम सरफराज है, लेकिन वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को शक है कि 20 सालों में इस गैंग ने करीब 5,000 लड़कियों को सेक्स रैकेट में शामिल किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत केस दर्ज किया है।